कपड़े को काट देते हैं, कभी आपके बुक्स को काट देते हैं, कॉकरोच अक्सर घर में घूमते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हमें घरों में नहीं रखना है, हमें अपने घर की साफ साफ सफाई रखनी है, ताकि ये एनिमल्स हमारे घरों में एंट्री ना करें। उसके लिए हमें कैसे कैसे तरीके अपनाने चाहिए आगे देखते हैं। डस्ट द फर्नीचर, आपके घर में जो फर्नीचर है इसका मतलब टेबल है, चेयर है, कवर्स है, आपकी अलमीरा है, इनकी हमेशा साफ सफाई करते रहनी चाहिए। कीप थिंग्स इन देयर प्लेसेस, जिसकी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी वस्तु को आप यूज कर रहे हैं, तो आप उसको उसके प्रॉपर जगह पे रखें। जैसे कि अगर आप स्कूल से घर जाते हैं, स्कूल बैग हो उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखें, अपनी बुक्स को उसकी करने के बाद बुक सेफ में रखें, अपने कपड़ों को अपने अंधेरा में रखें। ऐसे हमारे हमारा जो घर है वो साफ सुथरा नजर आता है और हम अपने घर में हेल्प भी कर सकते हैं। नीम कवर बेड, जब हम सोने जाते हैं हमें अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, धुए हुए चादर का इस्तेमाल करना चाहिए। डेकोरेट का रूम विद रंगोली एंड फ्लोरल, जब भी हमारे घर में फेस्टिवल्स आते हैं तो क्या करते हैं, अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं, रंगोली बनाते हैं, गेट पे तोरण लगाते हैं। इस तरह से हम अपने घर को एक और भी स्वीट फॉर्म जिसका नाम दिया गया है क्या सजा बनाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा, इस चैप्टर को आप अपने बुक की सहायता से क्लियर के साथ रिविजन करेंगे और नेक्स्ट